हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम IBPS RRB PO और क्लर्क में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ्स के, उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास क्वांटिटी इक्वेशन के 5 क्वेश्चन है, तो इनको वन बाय वन जो है हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको 2 क्वांटिटी इक्वेशन दे रखी है, एक एक्स वेरिएबल में एक वाई वेरिएबल में, और हमारे को ये बताना है भाई एक्स और वाई में से एक्स ग्रेटर देन वाई है या एक्स लेस देन वाई है, तो ये चीजें बतानी है। ठीक है, तो देखो हम कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले अगर मेरे को इसको डिटेल में करना होता तो मैं कैसे करता? पहले हम डिटेल में एक बार पढ़ेंगे, फिर वहां से हम शॉर्टकट ट्रिक निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फैक्टराइजेशन करना आता होगा, तो हम इसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? 2x² - 5x + 3 = 0, इसको लिखेंगे 2x² - 2x - 3x + 3 = 0। मतलब हमने ऐसे टुकड़े कर लिए जिनका जो है जोड़ -5 आए, ये -5, और जिनकी मल्टीप्लाई 2 3 6 आई, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 6 बनेगा और जोड़ कितना बनेगा, -5 बनेगा। फिर हम क्या करेंगे, 2x कॉमन लेंगे, अंदर बच जाएगा x-1, और यहां से -3 कॉमन लेंगे, अंदर बच जाएगा x-1 = 0। फिर हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करते हुए x-1 कॉमन ले लेंगे, और यहां बच जाएगा 2x-3 = 0। अब इसको सोल्व करेंगे, यहां से x की 2 वैल्यू आ जाएगी, एक x = 1 आ जाएगा और दूसरी वैल्यू आ जाएगी x की 2y3 जो कि यहां से आई। और इसी तरीके से अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करें, ये मैं एक बार डिटेल मेथड बता रहा हूं क्योंकि इसके इसी से शॉर्टकट निकलेगा, तो ये बन जाएगा 3y² 17y 17। इसके ऐसे टुकड़े करने हैं -17 के कि जिनकी जो है एडिशन -17 आए और मल्टीप्लीकेशन 3 × 20 = 60 है, तो ऐसे टुकड़े हो गए -12y - 5y + 20 = 0। तो 3y कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा y-4 और ये हो जाएगा -5 × y - 4 = 0। अब ये बन गया y-4, वो और कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा y-4 × 3y - 5 = 0। इसको सोल्व करेंगे तो y कितना आ जाएगा, 4, और यहां से y कितना आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। अब हमें बताना था एक्स वाई से बड़ा है या एक्स वाई से छोटा है या एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है या एक्स लेस देन इक्वल टू वाई है, ये चीजें बतानी है। हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, हमने क्या किया है, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली, यहां से एक्स की वैल्यू 3/2 आएगी। ठीक है, तो अब देखो हमने जो एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली है, अगर हम यहाँ पे देखें एक्स जो और वाई में रिलेशन क्या है, तो हम पाते हैं एक्स की वैल्यू 1 है या एक्स की वैल्यू 4 और 5/3 है। 5/3 का मतलब हम कह सकते हैं 1.66 कह सकते हैं। एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 4 और 1.66 है, तो हम कहेंगे एक्स जो है ये 1 इन दोनों से कम है, यानी कि एक्स जो है वो लेस देन वाई है। अब दूसरी से हम सोल्व करें इसको, एक्स की वैल्यू कितनी है, 1.5 है, और वाई की वैल्यू कितनी है, 4 और 1.66 है, यानी कि 1.5 भी 4 और 1.66 से कम है, तो यहां से हमारे पास सेम चीज आ रही है, एक्स जो है वो लेस देन वाई है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, एक्स जो है वो लेस देन वाई है, यही हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। लेकिन इसमें आपने देखा होगा कि हमारा फ्रैक्शन बन गया, ये 5/3 बन गया, ये 3/2 बन गया, और कभी कभी फ्रैक्शन ऐसा भी बन सकता है, चलो ये तो 5/3 था, इसको सोल्व करना आसान था, इसको 1.66 लिख दिया, लेकिन कभी कभी फ्रैक्शन ऐसा बन सकता है जिसको सोल्व करना मुश्किल हो जाए, तो ऐसे में हमारे को जो है ऐसा शॉर्टकट ट्रिक ढूंढना पड़ेगा जिससे जो है हमारे पास फ्रैक्शन ना बने और क्वेश्चन को सोल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाए। तो हम उसी ट्रिक की बात करेंगे, क्योंकि हमारे को ये तो बताना नहीं है कि एक्स की एक्चुअल वैल्यू क्या है और वाई की एक्चुअल वैल्यू क्या है, हमारे को क्या बताना है कि एक्स और वाई में रिलेशन क्या है। तो हम एक्स और वाई के लिए ऐसे इस तरीके से सोल्व करेंगे, इस तरीके से एक्स और वाई को सोल्व करेंगे कि हमारा फ्रैक्शन नहीं बनेगा और जो है हमारा जो है आंसर जो है वो भी इससे डायरेक्ट निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं उससे कैसे सोल्व होगा ये। देखो अगर इसको हमने शॉर्टकट ट्रिक से सोल्व करना होगा तो कैसे करेंगे, सेम चीज है, सबसे पहले तो ऐड करने पर -5 आए, मल्टीप्लाई करने पर 6 आए, ऐसी टर्म कौन सी है, -3 और -2 है, पहला स्टेप यही है। दूसरे स्टेप में हम इसके निशान चेंज कर देंगे, -3 है -3 के आगे माइनस का साइन है, इसको कर दिया +3, 2 के आगे भी माइनस का साइन है, इसको कर दिया +2। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, जो वाई स्क्वायर का कोफिशियंट है, देखो हम एक्स को सोल्व कर रहे हैं, अब इसमें जो वाई स्क्वायर का कोफिशियंट है इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 2 3 6,
ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। देखो ये x की एक्चुअल वैल्यू नहीं है। इसी तरीके से हम y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू क्या होगी, अगर हम गुणा करने पर आई हमारे पास 20 या 60 और ऐड करने पर -17 आए, तो कौन सी टर्म है, -12 और -5। निशान चेंज कर दो, ये बन जाएगा +12 और +5। अब इसके बाद इसको हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई वाली वैल्यू को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, ये वाई की वैल्यू आ गई। अब देखो जो हमारी ये एक्स की वैल्यू आई है, जो वाई की वैल्यू आई है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं आई है, लेकिन ये इस तरीके से वैल्यू आई है। इनको जो कंपेयर करोगे हमारा, अगर कंपेयर करने के बाद जो भी उत्तर आएगा वो हमेशा ठीक आएगा, इस तरीके से वैल्यू आई है। तो कैसे करना है, सबसे पहले आपको फैक्टर ढूंढने हैं भाई, ऐड करने पर इतना आए और मल्टीप्लाई करने पर इतना आए, फिर उसके निशान चेंज कर देने हैं, और जब एक्स की वैल्यू निकाल रहे हो तो उसको वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना है, जब इसी तरीके से जब वाई की वैल्यू निकाल रहे हो तो उसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। या एक्स की वैल्यू होगी 6 और 9, या वाई की वैल्यू होगी 10 और 24। अब साफ दिख रहा है कि 6 और 9 है वो 10 और 24 से कम है, मतलब एक्स जो है वो लेस देन क्या होगा, वाई होगा। अब देखो यहां पर कोई फ्रैक्शन नहीं बना है, तो अब इसीलिए ये मेथड जो है उससे आसान पड़ेगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके आगे। स्क्वायर -7x+12=0, दूसरी क्वेश्चन है वाई स्क्वायर प्लस 15x 15y +56=0। देखो इस क्वेश्चन में को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बिना कोई क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किए भी हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम डिटेल में सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, ऐड करने पर -7 आए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आए, तो वो टर्म है हमारे पास -3 और -4। निशान चेंज कर दो, +3 और +4। वाई स्क्वायर का कोफिशियंट 1 है, 1 से ही मल्टीप्लाई होगा तो सेम का सेम रहेगा 3 और 4, ये आपकी आ गई एक्स की वैल्यू। अब वाई की वैल्यू निकालो, ऐड करने पर 15 आए और मल्टीप्लाई करने पर 56 आए, ऐसी टर्म है 7 और 8। निशान चेंज कर दो, -7 -8। अब इसको एक्स के को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन जाएगा -7 और -8 बन जाएगा। अब देखो एक्स की दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, वाई की दोनों वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो साफ हमारे को पता लग रहा है एक्स जो है वो वाई से बड़ा है। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको आ जाए, इस फॉर्मेट का क्वेश्चन, आपका आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हो बिना कोई सोल्व किए। वो कैसे करेंगे, वो चीज देखो। अब आप वो चीज देखो, देखो अगर मैं इनके सिंबल्स को देखूं, एक्स स्क्वायर के आगे प्लस का साइन है, वाई एक्स के आगे माइनस का साइन है, और जो कॉन्स्टेंट टर्म के आगे प्लस का साइन है, तो ये प्लस माइनस प्लस का फॉर्मेट हो गया। ऐसे हम वाई का चेक करें, वाई स्क्वायर के आगे प्लस का साइन है, या वाई वाली टर्म है इसके आगे प्लस का साइन है, और 56 के आगे भी प्लस का साइन है, प्लस प्लस प्लस। तो जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ जाए जिसके साइन इस तरीके से है, प्लस माइनस प्लस 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 माइनस प्लस 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 प्लस, ठीक है, तो उसमें प्लस 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 वाला हमेशा छोटा होता है, ये वाला जो है हमेशा समोलर होगा। दोबारा सुनो, अगर आपने वो क्वालिटी इक्वेशन दे रखी है और उसमें जो साइन है प्लस और माइनस के, वो इस फॉर्मेट में है, एक में तो है प्लस 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 के फॉर्मेट में क्वालिटी इक्वेशन के साइन जैसे यहां पर थे, और एक में है प्लस माइनस प्लस के फॉर्मेट में क्वालिटी इक्वेशन के साइन, तो ये वाला जो है प्लस 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 वाला हमेशा समोलर होगा, यानी कि यहां पर प्लस 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 वाई के साथ है, तो वाई जो है वो समोलर होगा एक्स के, तो हम ये भी कह सकते हैं एक्स जो होगा वो वाई से बड़ा होगा। तो आपको डायरेक्ट देखते ही आंसर बता देना है, एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं इस तरीके का। जैसे मान लो ये है एक्स स्क्वायर -11x+30=0, प्लस कर देते हैं यहां पर, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है वाई स्क्वायर -17x+72=0। अगर हम इसके साइन का फॉर्मेट देखें क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट प्लस का है, एक्स का कोफिशियंट भी प्लस का है, और कॉन्स्टेंट टर्म भी प्लस की है, यहां पर वाई का कोफिशियंट ये प्लस का है, वाई का कोफिशियंट प्लस का है, और यहाँ वाई आएगा, और इसके अलावा जो है यहाँ पे वाई का कोफिशियंट माइनस का है और कॉन्स्टेंट टर्म प्लस की है, कॉन्स्टेंट टर्म प्लस की है, तो कौन सा फॉर्मेट बन गया, प्लस प्लस प्लस
प्लस माइनस प्लस, तो जो प्लस 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 वाला है वो हमेशा छोटा होता है, यानी कि एक्स जो है वो क्या होगा, लेस देन वाई होगा। प्लस 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 फॉर्मेट जो है वो प्लस माइनस प्लस से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। तो डायरेक्ट आपको देखते ही आंसर बता देना है, एक आधा क्वेश्चन हो रहा है। जैसे ये है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। दूसरा है हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 88 बराबर 0। यहाँ पे सॉरी वाई स्क्वायर माइनस 19y प्लस 88 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे तीनों तरफ प्लस 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 के साइन है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। y की बात करें तो यहाँ पे प्लस से साइन है, दूसरे के आगे माइनस का साइन और 88 के आगे प्लस का साइन। तो फॉर्मेट क्या बन गया, प्लस 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 माइनस प्लस। तो ये जो है आपके पास हमेशा क्या होगा, प्लस 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 वाला छोटा होगा, यानी कि एक्स जो है यहां पर क्या होगा, लेस देन वाई होगा। ये प्लस 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 वाला समीकरण प्लस माइनस प्लस वाले समीकरण से छोटा होगा, यानी कि एक्स जो है वो वाई से छोटा होगा। आगे है जो इसके आगे अगला क्वेश्चन है, ये कुछ एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है 2/7 of 56 प्लस 5625 का स्केयर रूट इंटू में 15। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं यहाँ। पहला क्वेश्चन है 2/7 गुना में 56 प्लस स्केयर रूट ऑफ 56625 गुना में 1/15, इसको सोल्व करना है। ये तो साफ दिख रहा है कि ये 7 पे कटेगा, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब 5625 का स्केयर रूट क्या होता है, देखो जब भी आपके पास 25 आ जाए लास्ट में उसका स्केयर रूट निकालना हो तो बहुत आसान तरीका है। यहां पर लास्ट में 5 है तो इधर भी लास्ट में 5 बनेगा, 25 का स्केयर रूट है 5। जब भी लास्ट में 25 आ जाए उसका स्केयर रूट कैसे निकालना है वो चीज बता रहा हूँ। 25 का स्केयर रूट 5, लास्ट के दो डिजिट 25 है तो इसका स्केयर रूट कर दिया, बाकी क्या बच गया, 56। 56 किस किसके स्केयर के बीच में आता है, 7 और 8 के स्केयर के बीच में आता है, तो यहाँ लिख देना है छोटे वाला नंबर। 56 जो है 7 का स्केयर और 8 के स्केयर के बीच में आता है, छोटा नंबर 7 है तो यहाँ 7 लिख दिया बस। तो इसका क्या हो गया, 75 हो गया, यानी कि स्केयर रूट इंटू में कितना है, 1/15। ये काट के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 16 और 5 कितना हो गया, 21 हो गया। ये इसका क्या है, आंसर हो गया। तो आगे इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 55% of 78 प्लस 33 1/3% of 84। अब देखो इस क्वेश्चन में ये नहीं करना 78 को 55 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इस तरीके से सोल्व कर दे 55 गुना में 78/100 करके सोल्व कर दे, नहीं। आपको क्या करना है, 55% को ना तोड़ना है, पहले 50% और 5% में तोड़ दो, इसको जोड़ोगे तो 55 ही बन जाएगा। अब बताओ 50% 78 का कितना होता है, 78 का 50% होता है 39, और 78 का 5% कितना होगा। देखो जब 78 का 50% 39 बन रहा है तो 5% हो जाएगा 3.9, मतलब एक के बाद पॉइंट लग जाएगा यहां पर, और ये हो गया, यानी कि इसको हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ क्या है 33 से 1/3%, इसका मतलब होता है 1/3, 1/3 गुना में 84 कितना आ गया, 28 आ गया। इसको सोल्व करेंगे 39 और 3.9 42.9 प्लस में 28, 52, 62, 70, तो ये कितना आ जाएगा, 70.9। ठीक है, आगे से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे हो तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 143, 135, 143, 135, 143, 135, तो आपको देख रहे हैं कि बार बार सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो समझ जाना कोई ना कोई फॉर्मूला लगेगा। जैसे ये था 143 प्लस 135 का स्केयर प्लस 143 माइनस 135 का स्केयर डिवाइडेड बाई 143 का स्केयर प्लस 135 का स्केयर, तो समझ आना कोई ना कोई फॉर्मूला लगेगा। अब अगर हम इसको ए मान ले, देखो इसको हम मान ले बी, तो 143 को ए मान लिया हमने, 135 को क्या मान लिया, बी, तो ये भी ए हो गया, 135 भी क्या हो गया, बी हो गया। अब ये फॉर्मूला बन गया, देखो ए प्लस बी का स्केयर प्लस ए माइनस बी का स्केयर डिवाइडेड बाय ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब आप बताओ ए स्केयर प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्केयर और ए माइनस बी का होल स्केयर किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर के।
इसको हमने सोल्व कर दिया। और डिवाइड में क्या है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर से बी प्लस बी स्क्वेयर से कट जाएगा और लास्ट में आंसर कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो जब भी रिपीटेशन दिखे इस तरीके से तो कोई ना कोई फॉर्मूला लगता है। साफ दिख रहा था कि यहाँ पे ए प्लस बी का स्क्वेयर बन रहा है और ये ए माइनस बी का स्क्वेयर, ए प्लस बी का स्क्वेयर प्लस ए माइनस बी का स्क्वेयर किसके बराबर होगा, 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। और डिवाइड में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर था, ये कट के क्या दे देगा, 2 दे देगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7.5 का स्क्वेयर प्लस 52.5 प्लस 3.5 का स्क्वेयर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एक बार देखा जाए, लास्ट डिजिट 5 है, तो आपको पता होगा कि लास्ट डिजिट 5 हो तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वेयर कैसे करते हैं। मान लो 35 का स्क्वेयर करना है तो पहले 5 का स्क्वेयर कर दो 25, अब बाकी क्या है 3 बच गया, 5 को छुपा लिया तो 3 बच गया, 3 से अगला डिजिट 4, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 12, तो 35 का स्क्वेयर हो जाएगा 1225। अगर हमें 85 का स्क्वेयर निकालना हो, पहले 5 का स्क्वेयर किया 25, 5 को छुपाने के बाद 8 बच गया, 8 × 9 कितना होता है 72, यानी कि 8 को उससे नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई किया है, तो 85 का स्क्वेयर कितना हो गया 7225। तो वही ट्रिक हम यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पे हमने 7.5 का स्क्वेयर करना है, एक बार पॉइंट को भूल जाए तो 75, यानी कि 75 का स्क्वेयर करना है एक बार अगर पॉइंट को भूल जाए तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वेयर 25, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56.25, लेकिन 2 के बाद पॉइंट आएगा और ये कितना हो जाएगा 52.5। 3.5 का स्क्वेयर है, अगर 35 होता तो इसका स्क्वेयर बनता 5 का स्क्वेयर 25, 3 × 4 = 12, 1225, और अब 2 के बाद पॉइंट लगेगा। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 56.5 और 12.5, 56 और 12 कर दिया 68, और पॉइंट 25.25, 68.5, 68.5 और 52.5 कितना होता है टोटल 121, और 121 का स्क्वेयर रूट कितना होता है 11 होता है, तो 11 इसका क्या है, 11 इसका उत्तर हो गया। और एक मेथड से हम और भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, एक मेथड से और भी कर सकते हैं। देखो अगर ये 7.5 का स्क्वेयर प्लस 3.5 का स्क्वेयर, आप देखो तो यहाँ फार्मूला बन रहा है, ये ए स्क्वेयर, ये बी का स्क्वेयर, और ये बीच में आपके पास है 2ab, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर होता है। ए है मतलब 7.5 और बी है 3.5 इसका होल स्क्वेयर, तो कितना का स्क्वेयर रूट, तो कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका स्क्वेयर रूट और है तो ये हो जाएगा आपका, ये कट के यानी 11 का स्क्वेयर रूट मतलब 11 इसका उत्तर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे। अब इसके कुछ एक नंबर सीरीज के और क्वेश्चन है वो और देखते हैं। आगे कुछ है क्वेश्चन नंबर सीरीज के, ये 5 क्वेश्चन है आपके पास नंबर सीरीज के, 1, 2, 3, 4 और 5, तो कैसे सॉल्व करोगे। 8 किसका क्यूब है, अब इसको देखो पैटर्न देखो क्या बन रहा है, 8 है 2 का क्यूब, 27 है 3 का क्यूब, 125 किसका क्यूब है 5 का, 343 किसका क्यूब है 7 का, 1331 किसका क्यूब है 11 का। तो हम देख पा रहे हैं कि प्राइम नंबर का क्यूब बन रहा है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब, 11 का क्यूब, तो इससे अगला नंबर क्या होगा, 11 के आगे प्राइम नंबर होता है 13, मतलब 13 का क्यूब बनेगा। 13 का क्यूब क्या होता है 2197 होता है, 1 से लेकर 15 तक के आपको क्यूब याद होने चाहिए, तो इसका जो है उत्तर 2197। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इसमें पैटर्न देखे तो क्या बन रहा है, गुना में 2 + 2, गुना में 2 + 2, 75 × 2 = 150, 150 में 2 जोड़ा 152, 152 × 2 + 2, और यहाँ पे भी क्या बन जाएगा 306 × 2, 612, और इसमें 2 जोड़ दिया तो 614, आगे हो जाएगा 614 × 2 + 2, यानी कि डबल करेंगे 1228, 1228 में 2 जोड़ देंगे 1230, ये उत्तर हो गया। इसके आगे नेक्स्ट है, इसको हम देखें तो ये क्या बन रहा है, देखो 3 का मतलब है 2 का स्क्वेयर माइनस 1, 8 का मतलब क्या है 3 का स्क्वेयर माइनस 1, 15 क्या हो गया 4 का स्क्वेयर माइनस 1, 24 क्या हो गया 5 का स्क्वेयर माइनस 1, 2 का स्क्वेयर माइनस 1, 3 का स्क्वेयर माइनस 1, 4 का स्क्वेयर माइनस 1, 5 का स्क्वेयर माइनस 1, और ये बनेगा 6 का स्क्वेयर माइनस 1 मतलब 35 बनेगा। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ डिफरेंस कितने गया 8 और 35 का, 27 का, या डिफरेंस से ना करें तो हम ये देखें
आठ को 35 बनाने के लिए गुना में 4 करना पड़ेगा, प्लस में 3 करना पड़ेगा। 8 को 35 बनाने के लिए गुना में 4 प्लस 3, आगे यहाँ पे भी आगे क्या हो रहा है, गुना में 4 प्लस 3, 35 चौका 140, 140 में 3 जोड़ा 143। आगे 143 को 4 से गुना करो और 3 जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 575। तो क्या पैटर्न लग रहा है गुना में 4 प्लस 3 का, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, गुना में 4 प्लस में 3, 575 को 4 से गुना करोगे, 500 चौके 2000, 75 चौके 300, 2000 और 300 2300, 2300 में 3 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, ये 2303 इसका उत्तर होगा। आगे नेक्स्ट नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, इनके बीच का डिफरेंस देखे तो कितना है, 13, 24, 41, 64, 93, इनके बीच का डिफरेंस 11 है, यहाँ डिफरेंस है 17, 64 और 41 के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 में से 1 गया 3, 6 में 4 गया 2, 23, और यहाँ डिफरेंस है 29। तो हम देख रहे हैं कि आगे 11, 17, 23, 29, आगे डिफरेंस कितना होना चाहिए, मतलब 35 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 93 में कितना जोड़ा जाए ताकि 35 का डिफरेंस बन जाए, 93 में जोड़ा जाएगा 35, 93 में 35 जोड़ने पर मतलब कितना हो गया, 10, 11, 12, 128, तो इसका उत्तर हो गया। तो ये थे नंबर सीरीज के क्वेश्चन, आज की इस वीडियो में इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।